क्रिसमस के दिन कोई फंक्शन खाली न जाए, शायद कश्मीर के इतिहास में पहली दफा किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पार्टी अपने हेडक्वार्टर पे छुट्टी होने के बावजूद मैंने क्रिसमस का फंक्शन किया जिसमें तकरीबन 1000 के करीब लोग थे, और मैंने रिक्वेस्ट की हमारे जो बिशप थे जो कि गुलमर्ग थे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि आप गुलमर्ग से आइए और आपको श्रीनगर में तो आना ही है फंक्शन के लिए, लेकिन हमारे हेडक्वार्टर पे भी आइए। तो हमने उनकी सुविधा के लिए सुबह के बजाय आफ्टरनून में फंक्शन रखा और ऑफिस में केक काटा। तो इस तरह से मेरे तीनों कोनों में, जम्मू में शायद 22-23 को और श्रीनगर में 25 को और यहाँ उधमपुर जो तीसरा कोना है यहाँ 27 को हमारा सेलिब्रेशन हुआ। मैं हमेशा कहता हूं न जाने हम क्यों कंजूसी करते हैं, बड़े माइजर हैं हम ये त्योहार मनाने। हम सब धर्मों के लोग एक बाग के फूल हैं। काश हमारे भारत के लोग सब गार्डनर होते मेरी तरह, तो मैं एक गार्डनर हूं और मुझे सिर्फ फूल उगाने आते हैं। आज भी मैं किसी भी सरकारी घर में जाऊं तो मेरा गार्डन, किचन गार्डन नंबर वन आता। मैं पिछले 30-40 सालों से दिल्ली में जिस मकान भी रहा और फूल उगाने में कंपटीशन नंबर वन जीतता हूं मैं। हाँ, कई कभी कभी मैं खुद ही कंपटीशन में शामिल नहीं होता हूं कि कहीं मोनोपोली मेरे न बने, बाकी लोग भी जीत पाए, लेकिन जब जब भी मैंने हिस्सा लिया तो मैं कोई दूसरा जीत नहीं पाया। मेरे दिल्ली के आज के जिस मकान में रहता हूं मैं 27 साल में, सरकारी मकान, उसमें 35 किस्म के फूल होते हैं। कुछ जो हिंदुस्तान में होते नहीं है मैंने बरतानिया से लाए हैं, कुछ जापान से लाए हैं, हिंदुस्तान के कोनों कोनों से लाए। वो फरवरी में खिलते हैं। इस दफा मैं ज्यादा वो फूल लगाने का, बीज लगाने का टाइम सितंबर होता है और नवंबर में पौध लगाने का काम होता है और जनवरी एंड से खिलना शुरू हुई। इस दफा मेरे मालियों पर मैंने छोड़ दिया है तो शायद 15 से ज्यादा वैरायटीज नहीं होंगी, 20 वैरायटीज कम होंगी क्योंकि हेड माली इधर है। लेकिन हेड माली जहां भी जा रहा है तो लोगों को वो फूलों की खुशबू दे के मैं जाना चाहता हूं। हम एक चमन के फूल हैं, अब इस भारत के हम फूल हैं। इसमें किसी का नाम हिंदू है, किसी का नाम मुसलमान है, किसी का नाम ईसाई है, किसी का नाम सिख है, किसी का नाम जैन है, और भी जितने मजहब दुनिया में है हमारे भारत में। ये तो स्वर्ग है। हम मरने के बाद स्वर्ग ढूंढते हैं, लेकिन इस जन्म में जो स्वर्ग मिलता है उसको हम नरक बनाने की कोशिश करते हैं। जो भेदभाव करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो जातिवाद करते हैं, जो धर्मवाद करते हैं, हम एक भगवान के दिए हुए स्वर्ग को नरक में बदलना चाहते हैं। इसलिए जो उस दुनिया में स्वर्ग पाएगा वो पहले इस स्वर्ग की कदर तो करे दिए हुए की। अगर भगवान के इस जन्म में स्वर्ग जो उसने दिया है हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं, वो कहेंगे तुम इस लायक ही नहीं हो, वहां क्या करोगे स्वर्ग में। तो इसलिए हमें कोई भी पैगंबर, मैं तो सभी धर्मों का त्योहार मंगाता, मैं दिवाली भी धूमधाम से मंगाता, मैं प्रॉफिट का जन्म भी धूमधाम से मनाता हूं, मैं क्राइस्ट जी का, यीशु मसीह का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाता। गुरु नानक जी की तस्वीर तो मेरे पीठ के पीछे है क्योंकि हम प्राइवेट की तस्वीर, हमारे पिक्चर होती नहीं है, तो गुरु नानक जी की पिक्चर मेरे
पीठ के पीछे रहती है। ये सभी धर्मों के जो हमारे धर्म गुरु थे, इन्होंने इंसान को इंसानियत सिखाने की बात की, मानवता को ठीक करने की बात की। वो चाहे उसको एक धर्म के मानने वाले बने हों, लेकिन उन्होंने किसी एक विशेष धर्म के लिए कोई पैगाम नहीं दिया, उसने पूरी धरती के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के, चाहे वो राम हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे गुरु नानक जी। और इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का तो कजन ब्रदर्स है, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। हमारी जड़ एक है, एक जड़ से निकले। हम अहले किताब इनको बोलते हैं। अहले किताब मींस जो हमारी रिलीजियस बुक है, उसमें सबसे बहुत ज्यादा जितने धर्म हैं उनमें सिर्फ क्राइस्ट का जिक्र है। प्रॉफिट का तो है ही है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अगर कुरान में चर्चा है, जिक्र है, वो लिखा है, तो क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट इस्लाम के भी, मुसलमानों के भी एक प्रॉफिट है। सिर्फ फर्क इतना है कि प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है हमारे धर्म के हिसाब से, लेकिन क्राइस्ट यीशु मसीह भी हमारे मुसलमानों के प्रॉफिट है। तो इसलिए उन्होंने जो फैला, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के मानने वाले राम को मानते हैं, उनके लिए भी इस्लाम में और हर धर्म में इज्जत है, क्योंकि उन्होंने भी पूरी मानवता के लिए काम किया है। और गुरु नानक जी के लिए वो भी इतने सेकुलर थे कि जो आज सबसे बड़ा तीर्थ स्थान पूरे सिख धर्म के लिए पूरी दुनिया में है, वो गोल्डन टेंपल है। और गोल्डन टेंपल गुरु नानक जी ने या हमारी सिख बरादरी के लोगों ने एक मुसलमान से उसका फाउंडेशन रखा है। तो आप अगर देखेंगे पूरा हिस्ट्री, तो कितने मिले जुले हम हैं, कितने एक हैं, एक जड़ से निकले हुए ये सब लोग, अलग अलग शाखें हैं, अलग अलग फूल हैं, और इसकी कदर नहीं करते। इसलिए ये जितने भी त्योहार हैं, हमें सब मिलके मनाने चाहिए, खुशी से, प्रेम से, मोहब्बत और प्यार से। मुझे अफसोस है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मेरा जो ओरिजिनल प्रोग्राम था उसके हिसाब से 26 तक मेरा कश्मीर प्रोग्राम था, और 27 को मुझे कश्मीर से सीधे दिल्ली जाना था, लेकिन इन्होंने जब मैंने इनको कहा 27, तो मैं दिल्ली श्रीनगर से घूम के यहाँ आ रहा हूँ, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से यहाँ, और यहाँ से दिल्ली। तो 7:30 बजे मेरी फ्लाइट है। मैं दुआ करता था अंदर से कि फ्लाइट लेट हो कल की तरह, लेकिन अभी मुझे बताया कि बिल्कुल लेट नहीं है, बल्कि एडवांस में है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आपकी इस खुशी में शामिल हो पाया, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारा देश खुश रहे, ये यूनिटी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बराबर रहे। दुनिया में आज सबसे बड़े तीन धर्म कंट्रीज के हिसाब से क्रिश्चियनिटी नंबर 1 और इस्लाम के हिसाब से नंबर 2, लेकिन संख्या के हिसाब से हिंदू बरादरी भी, हिंदू धर्म भी उतना ही है, 19-20 के बीच में है। ये दुनिया के सबसे बड़े तीन धर्म हैं इस वक्त संख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदू धर्म। इसलिए इन तीनों का भारत में इकट्ठे रहना मतलब पूरे विश्व का यूनिटी होना। हम तीनों पूरे विश्व की यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं, और हम खराब अगर करें तो कोई भी इसमें एक खराब होगा तो हम पूरी विश्व की यूनिटी को खराब करने में भी साबित हो सकते हैं। आप सबका मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपका इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।